नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया ने अब तक 5 मैच खेले हैं, 5ों के 5 में उसने जीत हासिल करी है। पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान को और इसके अलावा बांग्लादेश के साथ न्यूजीलैंड को भी हराया और अब टीम इंडिया जीत का छक्का लगाने के लिए उतरेगी इंग्लैंड के खिलाफ। ये मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच होगा। एक तरफ टीम इंडिया अपने विजय रथ पे सवार है तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की हालत काफ़ी खस्ता है, क्योंकि इंग्लैंड ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें से केवल 1 में जीत दर्ज की है, 4 में हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, उन्हें अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ भी हार झेलनी पड़ी है। तो आप सोचिए दोनों टीमों के बीच में कितना बड़ा फर्क है। हालांकि ये मैच आपको रोमांचक दिख सकता है क्योंकि इंग्लैंड की टीम भले ही अब तक खराब खेली हो लेकिन वो आगे इंप्रूव नहीं करेगी ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि पिछली बार की चैंपियन है, बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में है, चाहे जॉस बटलर हो, डेविड मलान हो, ब्रूक्स हो, स्टोक्स हो, बेयरस्टो हो, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस नाम टीम में है। तो अब इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, राहुल के बाद अब देखिए सूर्य कुमार यादव की भी जगह बनती है। इसके बाद आएंगे रविंद्र जडेजा। अश्विन को हमने टीम में शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ पे स्पिन को मदद मिलती है। अश्विन के बाद आपको कुलदीप यादव आपको दिखाई दे सकते हैं, रविंद्र जडेजा, वहीं 2 पेसर्स में शमी और हमने बुमराह को शामिल किया गया है, सिराज को हमने दिया है रेस्ट। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो बेयरस्टो और डेविड मलान आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे जो रूट, नंबर 4 पर आपको स्टोक्स, नंबर 5 पर बटलर आएंगे। इसके बाद इनका ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं, लिविंगस्टन आएंगे। इसके बाद मोइन अली, गेंदबाजी इनकी अभी तक थोड़ी सी फीकी रही है, आदिल रशीद, मार्क वुड और जो तेज गेंदबाज है इनके क्रिस वोक्स, ये हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। इंग्लैंड की भी बता दी आपको, भारत की भी बता दी, पिच कैसी है। दरअसल जो इकाने की जो पिच है वो स्पिन को मदद करती है और यहाँ पर पहले ये पिच गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मददगार हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये पिच बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ी सी अच्छी साबित हुई है, क्योंकि डिकॉक ने यहाँ पे शतक लगाया है, लेकिन फिर भी ऐसी पिच नहीं है जैसी मुंबई और बेंगलोर की पिच होती है। अभी भी यहाँ पे गेंदबाजों को मदद मिलती है, खासकर स्पिन को। यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज आते के साथ ही बल्ला नहीं चला सकता, आते के साथ ही अटैक नहीं कर सकता, उसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा किसमें, विकेट पर टिकने के लिए, और थोड़ा सा समझदारी से खेलना पड़ेगा। अब आपको हेड टू हेड मुकाबले के बारे में भी बता देते हैं। तो दोनों टीमों के बीच में देखिए जो मैचेस हुए उसमें से ज़्यादातर मैच जीते हैं टीम इंडिया ने और इंग्लैंड ने भी टक्कर तो दी है, लेकिन ज़्यादातर मैच जीते हैं किसने, टीम इंडिया ने। 2 मैच टाए हुए हैं, 3 का नतीजा नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का अपर हैंड है, चाहे वो फॉर्म हो, करंट फॉर्म हो, मोमेंटम हो, या अभी इस वर्ल्ड कप की स्थिति हो, या ओवरऑल हेड टू हेड मुकाबले में हो। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों में कौन सी मजबूत है, क्या आपको इंग्लैंड की टीम उलटफेर करते हुए दिख सकती है, या आपको लगता है कि नहीं इंग्लैंड भी उसी तरीके से वापस आ रहेगा जैसे कि 500 की 5ों टीम आ रही थी। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, क्या विराट कोहली का 49वां शतक आ रहा है, क्या वो सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।